1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जब घोषणा की गई, तो इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस के तहत हमने 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में से सेलिब्रेट किया। और उसके बाद हमारी एक परंपरा चल पड़ी कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट करने का मकसद था वो था कि किसी भी तरीके से भारत में जो रह रहे लोग हैं उनका अटेंशन पाना, यानी ये लोग जो भारत में रहते हैं ये कहीं ना कहीं अवेयर हो जाए, कहीं ना कहीं इन चीजों से इनको जानकारी मिले कि हमारा देश जो है वो एक आजाद मुल्क की तरह काम कर सकता है और ये आजाद मुल्क हमारे लिए हमारा अपना कानून खुद बनाएगा, हम उसमें खुद कानून बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो लोगों का अटेंशन हमारे तरफ आएगा कि हमारा देश आजाद हो गया है, हम लोग आजादी के लिए इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, आजाद स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो ये जो चीजें थी, महात्मा गांधी ने देखा कि ये चीजें बहुत कम लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो था उसका जो हम लोग देखते हैं कि जो लोगों में होना चाहिए था जिस तरीके से अटेंशन, वो अटेंशन नहीं आ पाया और लोग इतने भी मतलब अटेंटिव नहीं हो पाए, इस चीज को नहीं समझ पाए कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस होता क्या है। सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी को लगा कि हमें कुछ और करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक काम किया कि एक नए तरीके से उन्होंने एक नया सत्याग्रह लॉन्च करने की सोची। और महात्मा गांधी एक ऐसे चीज को ढूंढना चाह रहे थे, ऐसे चीज को ढूंढ रहे थे कि जो भारत में लगभग मैक्सिमम लोगों से जुड़ा हुआ हो, एक ऐसा कॉमन बिलोंगिंग जो सबकी सबके लिए जो इम्पोर्टेंस रखता हो। तो उसी में से ढूंढते ढूंढते उनको एक चीज दिमाग में आया और वो था नमक। अब गांधी जी के दिमाग में जब ये नमक की बात आई तो साल्ट को ये पावरफुल सिंबल के रूप में देश को यूनाइट करने का प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो 31 जनवरी 1930 को उस समय का जो वायसराय इरविन था, गवर्नर जो हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो 1857 तक हुआ करता था। 1857 के बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का नाम दे दिया गया था। तो उस समय का जो वायसराय था वो इरविन था और इरविन को उन्होंने 11 डिमांड का एक पत्र सौंपा और उन्होंने कहा कि ये जो हमारी 11 मांगे हैं उस मांग को आप पूरा कर दीजिए और उसमें से साल्ट के टैक्स को भी खत्म करना एक इनका इम्पोर्टेंट मांग था। तो उसमें से जो था, जो भी डिमांड था उनका, कुछ जनरल डिमांड था जिसमें डिफरेंट क्लास के लोगों को शामिल किया गया था, वो उसमें आपके डिप्रेस क्लास के लोग भी थे, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, उसमें पीजेंट्स भी थे, तो सबके डिमांड को उसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया गया था उस 11 डिमांड। तो ये 11 डिमांड था क्या, इन सारे चीजों का डिस्कशन हम लोग देखेंगे आगे। तो इस डिमांड में उन्होंने क्या किया कि मैक्सिमम भारत के जो अलग अलग सोसाइटीज था उस अलग अलग सोसाइटीज को जोड़ने का प्रयास किया और ये सभी सोसाइटीज जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को उसको ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस जो है उनके बारे में सोचती। सो द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड वाइड रैंकिंग सो दैट ऑल क्लासेस विथ इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विथ देम। मेन आइडिया जो ये आया था वो इसलिए आया था कि वाइड रेंज इसका हो और लगभग भारत के सभी क्लास के लोग उनको लगे, वो आइडेंटिफाई करे कि कांग्रेस उनके साथ है और कांग्रेस का जो कंपेन है वो यूनाइटेड कंपेन के रूप में सामने आया। तो सो द मोस्ट स्टायरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द साल्ट टैक्स। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें सामने आई
और जो सबको जोड़ने वाला चीज था वो था साल्ट टैक्स को एबोलिश करना। अब देखिए साल्ट एक ऐसा चीज है जो सबको जरूरत होता है, अमीर से अमीर हो चाहे गरीब से गरीब हो, अमीर व्यक्ति को भी साल्ट की जरूरत है और गरीब व्यक्ति को भी। अमीर व्यक्ति को भी सॉल्ट की जरूरत है और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सॉल्ट की जरूरत है। और उस सॉल्ट पे ये लोग जो अंग्रेज थे वो टैक्स लगाए हुए थे, जबकि ये इसेंशियल आइटम में आता था। और जो टैक्स जो था सॉल्ट पे वो काफी ज्यादा था, ये गवर्नमेंट की मोनोपोली दिखाती थी। यहाँ तक कि आप ये भी है कि अंग्रेज जो थे वो सॉल्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रखते थे कि वो खुद ही सॉल्ट का प्रोडक्शन कर सकता है, जबकि समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का ये अधिकार था कि वो अपने आसपास के जो एरिया में जो उनका जमीन है उस जमीन पे वो सॉल्ट का प्रोडक्शन कर सकते थे। तो महात्मा गांधी ने जो सॉल्ट का टैक्स था उसको लोगों के सामने ऐसे रखा और ऐसे रिवील्ड किया कि ये मोस्ट ऑप्रेसिव फेस है ब्रिटिश का, बहुत ही कह सकते हैं कि ऑप्रेसिव यानी कि दमनकारी जो नीति है उस नीति का सबसे दमनकारी कानून ये सॉल्ट टैक्स है, जिसमें भारत के लोगों का जो इसेंशियल थिंग्स है उस इसेंशियल थिंग्स पे टैक्स लगाया गया है। तो ये सारी चीजें लोगों के सामने रखा। तो महात्मा गांधी का जो लेटर था, जो डिमांड था, वो लेटर लेटर के रूप में नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो एक अल्टीमेटम के रूप में था। अल्टीमेटम उन्होंने दिया किसको? वायसराय को। और वायसराय कौन होता था? जो वहां पे भारत का जो शासन था पूरा ब्रिटिश के अंदर था, उस ब्रिटिश शासन का हेड हुआ करता था, भारत में ब्रिटिश शासन का हेड हुआ करता था वायसराय। और वायसराय को एक अल्टीमेटम दिया गया कि यदि आप 11 मार्च तक आप इसको फुलफिल नहीं करते हैं इस 11 डिमांड को, तो ये 11 मार्च के बाद मैं एक कंपेन लागू चालू करूंगा और मैं एक सत्याग्रह चालू करूंगा। और कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाने के लिए तैयार अपने आप को कर रही थी। सो इरविन जो था वो तो अनविलिंग था, वो नहीं चाहता था कि इस तरीके का नेगोशिएशन गांधी जी के साथ हो, बट अनविलिंगली ही सही महात्मा गांधी से वो किसी भी तरीके से बातचीत तो करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसको बातचीत के लिए झुकना पड़ा। और कैसे झुकना पड़ा उसको हम देखते हैं। 11 मार्च तक ये बातचीत नहीं करता है, और इसलिए 11 मार्च तक जब बातचीत नहीं होती है तो अगले ही दिन महात्मा गांधी जो है अपना फेमस साल्ट मार्च जो है वो शुरू करते हैं 12 मार्च। 11 मार्च तक बातचीत नहीं हो पाती है तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी 78 फॉलोअर्स के साथ अपना दांडी मार्च शुरू कर देते हैं। क्योंकि दांडी मार्च इसलिए कहा गया है इसको कि ये जो 78 वॉलंटियर्स थे, जो ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, ये शुरू करते हैं अपना जो यात्रा है वो साबरमती आश्रम से दांडी तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक। तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद और दांडी जो कि सूरत में था, इसके बीच की जो दूरी थी 240 मील की दूरी थी। 240 मील इन्होंने तय किया और 240 मील्स तय करने में इनको लगभग 24 डेज लगा। और 24 डेज का जो ये समय था, ये लगभग लास्ट जब यहाँ पहुंचे 12 मार्च से, ये पहुंचे कब? 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच गए। और दांडी पहुंचने के बाद इसने वायलेट किया किस चीज को? वायलेटेड साल्ट टैक्स को उन्होंने वायलेट किया। कैसे? साल्ट लॉ में आता था कि साल्ट बनाना और साल्ट टैक्स, ये दोनों उसके अंतर्गत आता था। उन्होंने साल्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया, यानी कि एक मुट्ठी जो नमक था वहां से उठाया और उठा के सिंबॉलिक रूप से लोगों को बताया
कि साल्ट को अब हम खुद बना सकते हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चर साल्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया और उसके बाद शुरू हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये आपका क्या था, ये आपका मार्क था द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिगिनिंग ऑफ स्टार्ट। चलिए नीचे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, नोट पर लिखते हैं इसको। और इस तरीके से ये यहाँ शुरू हो जाता है 6 मार्च 1934 को सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है 6 मार्च 1930, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है अल्टीमेटली। तो कितने फॉलोअर्स थे, 78 फॉलोअर्स थे। कितना दूरी तय किया गया, 240 मील दूरी तय किया गया। कितना दिन लगा, 24 डेज लगा। कब शुरू किया गया था, तो 12 मार्च को शुरू किया गया था। और कब खत्म हुआ, 6 अप्रैल को खत्म हुआ। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चीजें चलती है और उसके बाद इसे खत्म कर दिया जाता है। साल्ट मार्च ये खत्म होता है, डांडी तक की यात्रा खत्म हो जाती है। और इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद एक कोई बड़ा मूवमेंट अगर सामने आया तो वो हम लोग देखते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के रूप में सामने आया। जिस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बहुत ज्यादा समर्थन मिला था, उसी तरीके से इस मूवमेंट को भी काफी ज्यादा समर्थन मिला। और ब्रिटिशर्स जो जिन्होंने सोचा भी नहीं था, 1921-22 के बाद एक फिर से कॉलोनियल लॉ के विरुद्ध थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से साल्ट लॉ को ब्रेक करने लगे और साल्ट को मैन्युफैक्चर करने लगे। डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में कई सारे साल्ट फैक्ट्रीज पे गवर्नमेंट का जो कब्जा था उसके सामने तो ये लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करने लगे। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ फिर बायकॉट किया जाने लगा, विदेशी कपड़ों को छोड़ा गया। लिक्विड लिक्वर शॉप को यानी कि शराब की दुकान को पिकेटेड किया जाने लगा, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में चला था। अब ये एक कदम और आगे बढ़ते हुए पीजेंट्स जो थे वो आगे आए, उन्होंने चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया, विलेज के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहां पे ये सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। फॉरेस्ट पीपल जो रहते थे फॉरेस्ट में, उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को का जो नियम कानून बनाया गया था उसको मानने से मना कर दिया गया। तो अब इन सारे चीजों को देखते हुए जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो डर गई, और डर के कारण वो कांग्रेस लीडर को वन बाई वन गिरफ्तार करने लगी। अब जब वन बाई वन इनको गिरफ्तार करने लगी तो उसमें से ही एक नाम आता है, अब्दुल गफ्फार खान। ऐसे इनका नाम है खान, अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि महात्मा गांधी के डिसिपल्स थे। उनको 1930 में, अप्रैल 1930 में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ये फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी के सत्याग्रह को फ्रंटियर पोस्ट पे गुजरात का जो एरिया है, जो पाकिस्तान का एरिया जो उस समय भारत में था, वो फ्रंटियर पोस्ट पे इनको काफी सफलता मिली थी, उसने इनका नेतृत्व किया था सत्याग्रह का। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। और ये फ्रंटियर गांधी काफी फेमस हुए थे और महात्मा गांधी के ये मानने वाले लोग थे, महात्मा गांधी को मानते थे। सो महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद जो एमरी क्राउड था वो पेशावर में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे ये लोग क्राउड जो था वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था। उसी दौरान एक बात सामने आती है कि पुलिस फायरिंग हो जाती है, बहुत सारे जो लोग होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं उसमें घायल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं।
और एक मंथ बाद, एक महीना बाद जो है महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट। इसके बाद सोलापुर में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स था वो पुलिस पोस्ट पे अटैक करते हैं, म्यूनिसिपल बिल्डिंग पे अटैक करते हैं, लॉ कोर्ट्स पे अटैक होता है, रेलवे स्टेशन को तोड़ दिया जाता है। सो ऑल स्ट्रक्चर जो कि ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करती थी वो सभी को कहीं ना कहीं लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। एंड अ फ्राइटेड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। और डरी हुई जो सरकार होती है वो सरकार फिर से अपना वो रिप्रेसिव पॉलिसी चलाती है, लोगों को किसी भी तरीके से वो दमन करना चाहती है, पीटती है, और लगभग 1,00,000 लोग जो है वो अरेस्ट किए जाते हैं ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के द्वारा। ऐसे सिचुएशन में महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइड करते हैं कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको वापस ले लिया जाएगा, और वो इरविन के तहत समझौता, इरविन के साथ वो समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये जो इरविन है वो इरविन गांधी पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये घटना जो होती है वो घटना है 5 मार्च 1931, यानी कि लगभग 1 ईयर ये जो है ये सारी चीजें चलती है, और ये सारी चीजें खत्म होने में थोड़ा समय लगता है, 1 ईयर तक चलती है। फिर ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट फेज जो है वो खत्म होता है 5 मार्च 1931 को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जो सिविल डिसोबीडियंस जो फर्स्ट फेज को कॉल ऑफ कर लिया जाता है, और यहां होता है गांधी इरविन पैक्ट। अब ये गांधी इरविन पैक्ट था क्या? गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी को ये आश्वासन मिलता है कि आप राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाए। जैसा कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में हुआ, और ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था वो 1931 में हो रहा था, और 1931 में अंग्रेजों ने गांधी जी को मना लिया कि आप तो शामिल होइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जबकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने बायकॉट किया था। भारत के तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं थी, लेकिन भारत के लोग उसमें शामिल थे जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और उस सोसाइटी का नाम था द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, यानी डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी का वो प्रतिनिधित्व करते हुए वहां शामिल हो रहे थे। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने आप को पार्टिसिपेट करवाया है, तो उस व्यक्ति का नाम आता है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, और 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हो रहा था, और इस लंदन में गांधी जी पार्टिसिपेट करने जाते हैं। अब जब गांधी जी दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन चले जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में निगोशिएशन होता है, लेकिन उस निगोशिएशन के दौरान गांधी जी से जो वादा किया गया था उस वादे को नहीं निभाया जाता है। गांधी जी काफी गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से के कारण वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वहां से रिटर्न बैक इंडिया आ जाते हैं। इस दौरान गफार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में रहते हैं, एंड कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कांग्रेस किसी तरीके की संस्था नहीं है। बहुत सारे उपाय किए जाते हैं मीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, बायकॉट को प्रिवेंट करने के लिए। सरकार किसी भी स्थिति में गांधी जी और उनके फॉलोअर्स को, यानी कि पूरे कांग्रेस को दबाना चाहती थी। सो विथ ग्रेट एप्रिहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस। फिर 1932 में ये आते हैं, और 1932 में फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा लाया जाता है। लेकिन इस बार चूंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो प्रारंभ में मिला था सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि इस बार सपोर्ट करने में बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। और अंततः 1934 आते आते
1934 आते आते जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का था वो बेस खत्म हो जाता है और 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा कॉल ऑफ कर लिया जाता है। तो ये तो सिविल डिसोबीडियंस की बात थी, जो सिविल डिसोबीडियंस 1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद एक इम्पोर्टेंट घटना थी जिससे कि पूरा जो आपका कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य था जो हिल गया था एकदम। और 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी जो थे वो ब्रिटिश के जो ब्रिटेन के जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनाल्ड, तो रैमजे मैकडोनाल्ड का एक पॉलिसी आई थी यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, धर्म के आधार पे रिप्रेजेंटेशन देने का, वो चीजें वहां अप्रूव्ड हो जाती है और इसी से गांधी जी खफा हो जाते हैं और गांधी जी विदाउट कॉन्फ्रेंस के कंक्रीट रिजल्ट के ही वहां से वापस चले आते हैं। और होता क्या है कि 1932 में एक चीज आती है, एक नियम आता है हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा और वो अंग्रेज जो नियम बना के भेजते हैं उस नियम का नाम होता है रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड या मैक या आप कह सकते हैं कम्युनल अवार्ड के नाम से फेमस है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड क्या था, रैमजे चूंकि वहां के प्रधानमंत्री का नाम था और उसने जो नियम लाया था उसके तहत यहाँ पे हर एक धर्म के लोगों को चाहे वो मुस्लिम हो सिख हो यूरोपियंस हो सभी को अपना अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया था और यहाँ तक कि उसमें डिप्रेस क्लास को भी यानी जो भीमराव अम्बेडकर जिसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे उसको भी एक तरीके से एक अलग रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की गई थी। इससे गांधी जी काफी दुखी थे और उसके लिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बात करना शुरू किया और भीमराव अंबेडकर को यह समझाने में सफल हुए कि अगर डिप्रेस क्लास को अलग से मिल जाएगा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम तो हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंट का स्ट्रगल है वो काफी कमजोर पड़ जाएगा और ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसको बाद में भी सुलझा सकते हैं कि हम डिप्रेस क्लास को किस तरीके से अपने समाज में अपने देश में कैसे उसको सही जगह दे सकते हैं। और आज जो हम अपने संविधान में देखते हैं जो KSC ST या फिर ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो डिस्कशन होते रहते थे टाइम टू टाइम इसी का एक परिणाम के रूप में हम लोग देखते हैं, डिप्रेस क्लास को आगे बढ़ाने के रूप में हम लोग देखते हैं। तो 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट होता है जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट, ये पैक्ट किसके किसके बीच में होता है, गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक पैक्ट होता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इस पूना पैक्ट में ये अनाउंस किया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी फिलहाल किसी भी तरीके का कोई अलग से रिप्रेजेंटेशन का डिमांड नहीं करेंगे और ये कांग्रेस के साथ मिलकर फिर अपना जो मूवमेंट है जो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये जो पार्टिसिपेशन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पूरे देश में था, जिस तरीके से हमने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्टिसिपेशन उसी तरीके से हम इसका भी पार्टिसिपेशन देखते हैं कि कंट्री साइड या फिर बाकी जगह पर इसका क्या प्रभाव था। तो कहा जाता है कि जैसे जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज थे जैसे कि पाटीदार ऑफ गुजरात या जाट ऑफ उत्तर प्रदेश ये काफी ज्यादा एक्टिव थे मूवमेंट में, डिगिंग बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप दे वेयर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस। इसके पीछे रीजन था कि ट्रेड डिप्रेशन के कारण इनको काफी ज्यादा लॉस हुआ था और इनके प्राइसेस काफी ज्यादा डाउनफॉल हो गए थे, गिर गए थे। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government revenue. और इसलिए ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे और इस रेवेन्यू को नहीं दे पाने के कारण इस रेवेन्यू को नहीं दे पाने के कारण
जो इनका एक ही उपाय था कि ये किसी भी तरीके से इसका विरोध करें, तो रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, और गवर्नमेंट ने इनके डिमांड को रिफ्यूज कर दिया था। जो कैश इनकम था कम हो जाने के कारण रेवेन्यू जो देने लायक नहीं थे, तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा भाई रेवेन्यू जो है वो कम कर दिया जाए। तो इनका रेवेन्यू कम करने का जो डिमांड था उसको सरकार के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया, और इसलिए जितने भी पीजेंट्स थे वो काफी इंथ्यूस्टिक सपोर्टर के रूप में, उत्साहित समर्थक के रूप में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। दूसरी बात अगर करें कि फॉर देम द फाइट टू स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, यानी कि उनके लिए अगर कहा जाए तो उनके लिए जो ये स्वराज का मतलब था कि हाई रेवेन्यू जो है उस पर विरुद्ध हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सो बट दे वेयर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931, और 1931 में बिना उनके रेवेन्यू घटाए हुए, बिना रेवेन्यू का डिमांड फुलफिल हुए, वो जब गांधी जी ने उसको कॉल ऑफ कर लिया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए चले गए, तो वो काफी डिसअपॉइंटेड हुए, और दूसरी बार जब इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब लाया तो उसमें वो शामिल नहीं हो पाए। सो दूसरी तरफ अगर बात करें पुअर पेजेंट्री की, जो गरीब किसान थे उनकी अगर बात करें, तो दे वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन द लोकिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, वो रेवेन्यू के डिमांड से कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था। मेनी ऑफ देम वेयर स्मॉल टेनेंट, बहुत सारे छोटे लोग थे जो लैंडलॉर्ड के जमीन पे काम करते थे रेंट के रूप में। एज द डिप्रेशन कंटिन्यू एंड द कैश इनकम डिंडल, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्टी टू पे देयर रेंट, यहाँ पे वो रेवेन्यू से नहीं बल्कि रेंट से, जो उनको स्मॉल फार्मर्स जो थे, जो बड़े बड़े किसान के जमीन के बदले में जो रेंट दिया करते थे, उनको प्रॉब्लम हो गया, वो रेंट नहीं दे पा रहे थे। तो इस रेंट को वो चाहते थे कि ये जो लैंडलॉर्ड्स है उसको रिमिट कर दे, माफ कर दे। सो इसको लेकर उन्होंने मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दिया। तो जितने भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो लोग थे, उन लोगों ने लेबर क्लास या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव क्लास था उसका लीडिंग किया, उसका नेतृत्व किया। अब apprehensive uprising issue that might upset the rich peasant and landlords, तो ये जो नाराजगी थी landlords और rich peasant के प्रति, वो कांग्रेस को खटक रही थी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो relationship है poor peasant और कांग्रेस के बीच में, वो जो चीज है, वो जो rich peasants है या जो बड़े लोग हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उनके बीच में कहीं ऐसा ना हो कि खाई उत्पन्न कर दे, और इसके लिए वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो तरीका था उनका शामिल होने का, उनसे वो खुश नहीं। अगर बात करें आगे हम लोग कि वो लोग जो ट्रेडर्स थे, वो चाहते थे कि उनको फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट से प्रोटेक्शन मिले, यानी ट्रेडर्स की अब हम बात करते हैं। ट्रेडर्स की बात करें तो फॉरेन गुड्स से वो क्या चाहते थे, प्रोटेक्शन चाहते थे कि फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट होता है उस पर कुछ ना कुछ जो एक्सचेंज रेशियो है उसको डिस्करेज किया जाए, इंपोर्ट को कम किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, जिससे कि उनका जो कमर्शियल प्रोग्रेस हो सके। तो इन सारे चीजों को देखते हुए 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया। ये ध्यान रखेंगे 1920 में एक संस्था बनी थी, नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस एंड कॉमर्शियल कांग्रेस कॉमर्शियल कांग्रेस। तो ये जो इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस था, वो चाहती थी कि इनको प्रोटेक्शन मिल सके। एक और संस्था बनी थी 1927 में, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी आज भी ये काम करती है। 1927 में एक संस्था बनी, संस्था का नाम था फिक्की, FICCI। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, एंड इंडस्ट्री। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का डिमांड था कि उनको उनका जो रेशियो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, इसको बैलेंस किया जाए। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम आता है, जिसमें से पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला, ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल के ऊपर अटैक किया और इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान इंडियन इकोनॉमी को सुधारने के लिए सपोर्ट किया। एंड इट वॉज अ फर्स्ट लॉन्च, पहली बार जब 1930 में लॉन्च हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो जिस दौरान काफी ट्रेडिंग एक्टिविटी करने वाले लोगों ने भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया। बट मोस्ट ऑफ द केम टू सी स्वराज एट अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट्स। तो कहने का मतलब ये कि ट्रेडर्स सिर्फ इसलिए जुड़े थे कि उनको अपना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बैलेंस की जरूरत थी। और शुरुआती दौर में, यानी पहली बार जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया गया था, तो उस दौरान इसमें काफी उत्साहित होकर इसमें अपना योगदान दिया था। लेकिन जैसे ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये शामिल होने गए और उस दौरान बिजनेस ग्रुप को देखा कि यहाँ पे उनका कोई भी बातें नहीं हो रही, किसी भी तरीके का चीज उनके बारे में डिस्कस नहीं किया जा रहा है, या फिर उनका जो एम है वो फुलफिल नहीं किया जाएगा, तो आगे आने वाले समय में जब 1932 में वो दोबारा लॉन्च किया जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। नागपुर रीजन के अलावे भी अगर बात करें तो और भी बाकी जगह पे कांग्रेस से जो इंडस्ट्रियलिस्ट का कनेक्शन था वो थोड़ा दूर था, एलूफ थे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब वर्कर की हम लोग बात करते हैं, वर्कर्स जो थे वो काफी दूर दूर रहते थे इनसे, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह पे देखा गया कि बहुत सारे वर्कर्स ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जो आइडियाज था गांधीयन प्रोग्राम का, जिसमें फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना था, मूवमेंट जो है वो कह सकते हैं कि ए पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। ये मूवमेंट का जो एक एम ये भी था, इनका जो लो वेजेस था या फिर पुअर वर्किंग कंडीशन था उसका सुधारने का भी डिमांड इन्होंने किया था। तो जिसको लेकर बहुत सारे लेबर क्लास के लोग भी जो थे वो इनसे जुड़े हुए थे, लेबर क्लास के लोग भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। Another important feature of civil disobedience was large scale participation of women। जो अब एक most important चीज को हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में women का participation हुआ था civil disobedience movement में। अब गांधी जी का जो साल्ट सत्याग्रह चल रहा था, जिस समय लिक्वर शॉप को पिकेटेड किया जा रहा था, तो औरतें जो थी जो काफी ज्यादा परेशान थी शराब पीने वाले लोगों से, तो शराब पीने वाले लोगों से परेशान होने के कारण लिक्वर शॉप का पिकेटिंग में जो ये विमेन थी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। खास करके ये जो विमेन वेयर रिलेटिंग फ्रॉम द हाई कास्ट फैमिलीज इन रूरल एरिया, दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउसहोल्ड। तो जो भी हाई कास्ट फैमिली से जो भी बिलोंग करती थी विमेन, वो सभी इस क्षेत्र में आई और इसने गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी ने उस दौरान कहा भी कि यदि पूरे नेशन लेवल पे विमेन का पार्टिसिपेशन हो जाए तो औरतों को राष्ट्र के सेवा करने का मौका मिलेगा, और राष्ट्र का सेवा वो अलग तरीके से भी कर सकती है। जरूरी नहीं है कि वो लड़ाई ही लड़े, बट लड़ाई करने वालों की वो सेवा करके वो नेशनल लेवल पे अपना राष्ट्र की जो सेवा है वो अपना योगदान दे सकती है राष्ट्र की सेवा में। सो गांधी जी ने लोगों को कन्विंस किया कि विमेन की ये ड्यूटी है कि अपने घर के सारे काम कर लेने के बाद, एक अच्छी माँ एक अच्छे पति होने के बाद, पत्नी होने के बाद वो देश की सेवा करे। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलेक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन। जो कांग्रेस किसी को
शामिल होने नहीं देती थी, खास करके विमेन को वो पार्टिसिपेट करने से थोड़ा दूर रखती थी, वो कांग्रेस अब डायरेक्ट रूप से वो पार्टिसिपेट कर रही थी। और यहाँ तक कि जो पहले इनको किसी खास पोजीशन पे नहीं रखा जाता था कांग्रेस में, और कांग्रेस में उनको खास पोजीशन पे रखा जाने लगा, तो इस तरीके से विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया था और विमेन जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी एक्टिवली। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक लिमिटेशन भी था, क्योंकि अभी तक यहाँ देखने को मिला था कि स्वराज से जो लोग जुड़े हुए थे वो जो उनका ग्रुप था वो एक अपर लेवल का ग्रुप था, एक ऐसा ग्रुप था जो अभी भी छूटा हुआ था, वो था अनटचेबल्स, हु आर फ्रॉम अराउंड 1930, 1930 के आसपास उन्होंने अपने आप को ऑपरेसिव या दलित कहना शुरू कर दिया था, जो जिसको हम लोग अनटचेबल कहते हैं, छुआछूत से जो ग्रसित थे उनको इन लोगों ने अपना एक नया नाम दिया था, दलित या ऑप्रेस्ड। और लंबे समय से कांग्रेस ने इसे इग्नोर करके रखा था, और ये इग्नोर करने का एक कारण था कि जो जितने भी सनातनी लोग थे, यानी जो इस तरीके का अंधविश्वास में कंजर्वेटिव हाई क्लास जो हिंदू थे, उनके डर से ये जो अनटचेबल लोग थे उनको अपने प्रोग्राम से नहीं जोड़ पा रहे थे। तो महात्मा गांधी जब स्वराज के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया तो हंड्रेड ऑफ इयर्स से चल रहा जो अनटचेबिलिटी था वो अनटचेबिलिटी के विरुद्ध काम करना शुरू किया। अनटचेबिलिटी, तो ये अनटचेबल्स जो थे, अनटचेबल्स के को अपने से जोड़ने के लिए, जो अनटचेबिलिटी का जो प्रथा था उसको हटाने के लिए गांधी जी ने ये जितने भी अनटचेबल्स थे उनको एक नया नाम दिया, और वो नाम कहलाया हरिजन। हरिजन का मतलब द पीपल ऑफ गॉड, हरिजन का मतलब द पीपल ऑफ गॉड। और इस तरीके से द पीपल ऑफ गॉड के रूप में उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया, और प्रयास किया गया कि ज्यादा से ज्यादा इनको जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा ये लोग पार्टिसिपेट करें, और जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे देश में जो लड़ने वालों की संख्या होगी वो बढ़ जाएगी, और ये जो जितने भी अनटचेबल्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो उनपे जो दबाव है अंग्रेजों के ऊपर जो दबाव है वो दबाव बढ़ेगा। अनटचेबल, अनटचेबल्स को नया नाम दिया गया हरिजन। हरिजन, हरि का मतलब भगवान और जन का मतलब आदमी, तो हरिजन कहा गया इनको, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा गया, पीपल ऑफ गॉड कहा गया। सो ही हिमसेल्फ, अब इसको पॉइंट में लाने के लिए, इसको लीड में लाने के लिए, इसको सभी के नजर में लाने के लिए गांधी जी ने क्या किया कि एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया जिसमें इनको टेम्पल में एंट्री के लिए एक्सेस मिला, पब्लिक वेल पे एक्सेस मिला, टैंक रोड स्कूल्स ये सारे चीज जो इनसे डिबार कर दिए गए थे, इनसे जो दूर रखा गया था इस पे इनको एक्सेस मिला। और जो टॉयलेट क्लीनिंग का वर्क था जिसको उस समय काफी ज्यादा खराब माना जाता था, टॉयलेट क्लीनिंग का जो काम था वो टॉयलेट क्लीनिंग को सेल्फ डिग्निटी से जोड़कर देखा गया, सेल्फ डिग्निटी से जोड़कर देखा गया, और इसके तहत सभी लोग अपना जो है टॉयलेट क्लीन करने लगे। इसके लिए जो उस समय भंगी या फिर जो स्वीपर्स होते थे उनको काम में लगाया जाता था, अपर कास्ट के लोगों को अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ये हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी जो जो अस्पृश्यता का जो पाप वो कर रहे थे इसके बारे में उनको जागरूक किया गया कि ये जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत गलत है, ये कहीं ना कहीं आप मानवता का विरोध काम कर रहे हैं। और इस तरीके से जो अपर क्लास के लोग थे उनको जागरूक किया गया। बट मेनी दलित लीडर्स वेयर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी, बहुत सारे दलित लीडर्स जो थे इस पे काफी ज्यादा नजर लगाए हुए थे, और जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन था उसका वो प्रॉब्लम का पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे। सो द बिगन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ डिमांडिंग रिजर्व सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो भी लीडर्स थे दलित के
वो उन लोगों ने डिमांड किया कि ये सेपरेट रिजर्वेशन चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनका मेंबरशिप चाहिए। इस तरीके से अपने पॉलिटिकल इंपावरमेंट के लिए वो लोग काम कर रहे थे, जो कि प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चाहते थे जो सोशल डिसेबिलिटी थी। इसी के तहत सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन जो था काफी लिमिटेड था। पार्टिकुलरली अगर महाराष्ट्र और नागपुर रीजन की बात करें तो यहाँ पे दलित का ऑर्गेनाइजेशन क्वाइट स्ट्रॉन्ग था, और इसलिए महाराष्ट्र और नागपुर में दलित का पार्टिसिपेशन न के बराबर था या शून्य था। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का काफी अहम योगदान आ जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1913 में एक एसोसिएशन बनाया था और इस एसोसिएशन का नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो इस डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के तहत वो लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और महात्मा गांधी से क्लैश के दौरान इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सभी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित का भी डिमांड रखा था, जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड के तहत इसको अप्रूव भी किया गया था। बाद में इन्होंने पूना पैक्ट किया, और 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ तो ये जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे उस पे ये राजी हो गए कि अब हम सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड नहीं करेंगे, और हमारा जो प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कुछ रिजर्व सीट रख दिया जाएगा इनके लिए, और उसी से इनका जो काम है वो फुलफिल हो जाएगा। और इस तरीके से दलित जो है उनको मूवमेंट से जोड़ने का काम किया गया, और कांग्रेस में अब दलित लोगों का भी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट स्थान मिलने लगा, और इस तरीके से उन लोगों ने भी नेशनल मूवमेंट को लीड किया। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम्स की। कुछ मुस्लिम्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में ल्यूक बॉर्न का काम कर रहे थे। ल्यूक बॉर्न कहने का मतलब एक ऐसे चीज का काम कर रहे थे जो वो उत्साह नहीं दिखा रहे थे, यहाँ तक कि हमारे मूवमेंट को कमजोर करने का भी काम कर रहे थे। जब खिलाफत मूवमेंट खत्म हुआ था तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ही देखा गया था कि इनका योगदान काफी कम रहा था। ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम जो थे वो कांग्रेस के किसी भी तरीके के मूवमेंट से अलग अपने आप को रखते थे। फ्रॉम द मिड 1920 अगर देखें तो कांग्रेस ने कुछ लोगों को अपने आप में जोड़ने का प्रयास किया। हिंदू रिलीजन जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से हटके एक नया संस्था बनाया, हिंदू महासभा, और इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफी ज्यादा खाई क्रिएट हो गया था। 1928 में देखते हैं एक कॉन्फ्रेंस होता है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, इसको याद रखेंगे। 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिस समय भारत में जितनी भी पार्टियां थी सभी पार्टी के लोगों को बुलाया जाता है, और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा का एक व्यक्ति होता है एम आर जयकर के एक बयान आता है, और उस बयान में वो स्ट्रॉन्गली अपोज करता है किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने से अपने हिंदुइज्म से, या फिर हिंदू मुस्लिम एकता को वो अपोज करता है। और इस तरीके से जो गांधी जी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था उसको एक धक्का लगता है। कहता है मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के एक बड़े लीडर्स थे, वो चाहते थे कि उनका जो डिमांड है सेपरेट इलेक्टोरेट का वो अगर पूरा नहीं किया जाए तो कम से कम सेंट्रल असेंबली में उनको रिजर्व सीट दे दिया जाए, एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, और ये रिजर्व सीट जो है पॉपुलेशन के आधार पे हो, मतलब कि मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस जैसे कि बंगाल और पंजाब में जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुस्लिम लीग को दे दिया जाए, और बाकी जगह पे जो जिनका प्रोपोर्शन जहाँ पे हिंदुओं का ज्यादा है वहां पे हिंदू को रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए। तो इस तरीके से एक तरीके का कह सकते हैं कि रिजर्व सीट करने की व्यवस्था की गई,
और इसी होप से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, जिसमें एम आर जयकर ने इस प्रस्ताव का स्ट्रॉन्गली विरोध किया। और इस तरीके से जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक जो बात की जा रही थी उसको काफी धक्का लगा। अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड हुआ तो जो सस्पिशन और डिस्टर्बेंस का एटमोस्फेयर था कम्युनिटीज के बीच में, जिसके कारण जो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम थे उन्होंने इस स्ट्रगल में यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, और बहुत कहते हैं कि बहुत बड़े तबका यानी डिप्रेस क्लास सोसाइटीज ने भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन न के बराबर ही निभाया। तो ये तो था कि हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात, किस किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था और कैसे उसका क्या उसका पेस था, किस तरीके से लोग उसमें काम कर रहे थे, कैसे सिविल डिसोबीडियंस पूरे देश में प्रिवेल हुआ। अब इसी दौरान एक बात करते हैं 1930 में मोहम्मद इकबाल की, काफी नाम आता है मुस्लिम लीग के, ये प्रेसिडेंट थे 1930 में, इनका काफी नाम आता है मुस्लिम लीग में, और मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही ये जो लिखा गया था सारे जहां से अच्छा ही दोस्त था हमारा। तो मोहम्मद इकबाल के इस सॉन्ग को सुनने के बाद तो हमें लगता है कि मोहम्मद इकबाल जो हिंदू मुस्लिम एकता के काफी बड़े समर्थक होंगे या समर्थक थे, लेकिन कहीं कहीं इनकी जो बातें देखने को मिलती है वो कम्युनलिज्म का जो हाइयर एस्पेक्ट उसमें दिखता है, और इनका जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल देखने को मिलता है। तो अगर हम इनकी बात करें यानी इकबाल की बात करें, तो इकबाल जो है उसने एक सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का सेशन, जिसमें पाकिस्तान की बात की थी, पाकिस्तान रिजोल्यूशन, लाहौर रिजोल्यूशन की बात की थी। मार्च 24, 1940 में एक रिजोल्यूशन आया था जिसमें इकबाल ने सजेस्ट किया था कि फ्रंटियर प्रोविंसेस जो है, जो बलूचिस्तान है, सिंध है, कश्मीर है, इन सारे एरिया को मिलाकर क्या किया जाए कि एक मुस्लिम स्टेट का निर्माण किया जाए। और उन्होंने ये प्रूव करने का प्रयास किया कि ये एरिया जो है मुस्लिम बाहुल्य है और यहाँ मुस्लिम का अपना कानून चलना चाहिए, और यही से जर्मिनेट होता है पाकिस्तान का निर्माण। एक आइडियलिस्टिक थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, कैम्ब्रिज में ही इन्होंने एक मुस्लिम स्टेट का, यंग मुस्लिम स्टेट का कह सकते हैं कि फाउंडेशन रखने की बात की थी। और वहां पे एक टर्म आया था पाक स्थान का, और पाक स्थान के बारे में चल के पाक स्थान जो बात बाद में चल के पाकिस्तान बना, यही वर्ड जो है बाद में चल के पाकिस्तान बना। और ये जो पाकिस्तान वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया था, चौधरी रहमत अली के द्वारा। फिर बाद में इसको जिन्ना ने अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम में शामिल किया, और धीरे धीरे जो लाहौर सेशन में जो ये बातें की गई थी 1940 में, पाकिस्तान का रिजोल्यूशन इसी के आधार पर लाया गया था। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल स्कीम के तहत उसको रिजेक्ट कर दिया गया 1935 को, एंड रिजेक्टेड द फेडरल स्कीम एज यूसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में जो सरकार ने कुछ समझौता करने का प्रयास किया था उसको इन लोगों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो अपना पेस शुरुआती दिनों में तो फर्स्ट स्टेज में तो बना कर रखता है, लेकिन सेकेंड स्टेज आते आते उनका जो पेस है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है आपका, जिसमें सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात की जाती है, उस कलेक्टिव बिलोंगिंग के सेंस में हम लोग पढ़ेंगे उसको, और